हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो हम लेकर आए हैं। ये हमारे पास कूलर मोटर है जो 5 ब्लेड का है। आज इसका हम लेड ख़राब है अंदर से, तो इसका लेड निकालना बताएंगे। तो हमें 8 नंबर की चाबी ले लेना है, इसको चारों पेच को खोल लेना है। ये रेल हम ले लेते हैं और रेल के ऊपर इसे रखना है हमें। उसके बाद हम चारों पेच खोलेंगे। ये देखिए, ये चार पेच लगा हुआ है, तो चारों नट को हम ढीला कर लेंगे। 8 नंबर इंच से खुलेगा। हमने ढीला कर रहा हूँ, ढीला चारों हमने खोल लिया पेच को। और उसके बाद मार्का ले लेना है, निशान हमें लगा देना है कि हमें बाद में दिक्कत ना पड़े, बैठ जाए, सेट हो जाए सीधा। तो हमें दोनों तरफ दोनों कवर को निशान लगा लेना है और स्टेटर को भी बीच में निशान लगा देना है। अभी हमारा लाल रहेगा। तो हमने चारों राड को निकाल लेना है और उसके बाद खोल लेना है हमें कवर को। ये देखिए, आगे यहाँ पर वो लगा हुआ कार्बन लगा हुआ, तो आगे का बॉडी नहीं निकल रहा है। तो आपको रेमार लेकर सापट पर घिस देना है ताकि आसानी से निकल जाए। और उसके बाद निकाल लेना है आगे का कवर। ये पहले से हल्का फुल्का जाम था, तो हम इसे तेल वोल देंगे तो सही हो जाएगा। ये लीड देखिए, हमने खोल लिया हूँ पीछे की तरफ से, ये लीड टूटी हुई है, तो इसको हम निकाल लेते हैं आराम आराम से। हमें अच्छी तरह से निकालना है। अगर ये एल्युमिनियम बैंडिंग है, 1400 RPM का है ये। अगर हमें आराम आराम से सड़ी हुई है तो इसलिए टूट जा रहा है धागा इसका। और ये आराम आराम से निकाल लेना है। एल्युमिनियम टूट जाएगा तो फिर बाद में टाका भी इस पर नहीं लगता। तो हम आराम आराम से इसका वो निकाल लेते हैं। अगर हमारे पास कैंची से काट पाए तो हम कैंची से काटेंगे। अगर नहीं कटता कैंची से तो हमें एक ब्लेड ले लेते हैं, जिससे दाढ़ी बनाई जाती है, उससे हम काट सकते हैं। ये सड़ा हुआ है, टूट जाता है, तो इसलिए हमें इसमें ब्लेड की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने ये वाला ब्लेड लिया हूँ तो ये नहीं टूट रहा था, तो ये धागा हमने काट रहा हूँ। ये देखिए, कट रहा है अच्छी तरह से। हमें अच्छी तरह से काटना है, इस जगह काटना है कि तार पर लगने न पाए, वरना तार तुरंत कट जाता है। और धागे को ही खाली काटना, आराम आराम से, का हल्का हल्का से धारीदार ब्लेड से काटना है ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो ये देखिए गाइस, हमने निकाल दिया हूँ धागे को। हम ये नया धागा इसमें दोबारा लगाएंगे बाद में। तो दोस्तों, हमारी पूरी वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। तो ये देखिए, हमने निकाल लिया हूँ, ये हमारी 3 हो गई। तो दोस्तों, ये देखिए, इसमें रनिंग और स्टार्टिंग की दोनों लगी हुई है। इनमें दो तार है, रनिंग और स्टार्टिंग को एक में करके जोड़ी हुई है। और ये स्टार्टिंग की है, ये तार स्टार्टिंग की है। तो इसे आराम आराम से हम निकाल लेंगे। ये लपेटी हुई है, इसमें कनेक्शन पहले से की गई रही थी तो टूट गई थी। तो हम इसे खोल लेंगे और ये हमने खोल लिया हूँ। और इसका पेंट हम उजाड़ना है। ये देखिए, पेंट लगा रहेगा तो इसको उजाड़ना है ब्लेड द्वारा। ये धारीदार ब्लेड लेना है और इसे छिल लेना है। ये देखिए, आराम आराम से आपको हल्का हल्का से छीलना है। उसके बाद इसका पेंट उजाड़ लीजिए। ये पेंट उजरेगा, वाइट कलर का निकल जाएगा। ये एलुमिनियम है इसलिए सफ़ेद निकलेगा जब पेंट उजरेगा। ये देखिए, हमारा ये ब्लेड बहुत धारीदार है, इसलिए जल्दी हो रहा है। तो ये देखिए, हो गया 3। इसमें 3 तार लगी हुई जो बीच में है, ये वाली, इसमें रनिंग स्टार्टिंग दोनों है, इसीलिए ये 3 ही तार निकलेगी इसमें। इसमें रनिंग स्टार्टिंग के साथ में जोड़ी हुई है, तो ये कॉमन हो जाएगी, ये मेन हो जाएगी। और ये जो ये साइड साइड है, उसमें कोयल, उसमें वो कैपेसिटर की तार लगेगी। इसे हम एक ही कलर से निकालेंगे दोनों तार की लीड, और जो रनिंग स्टार्टिंग दोनों साथ में है, उसे हम एक कलर से निकाल देंगे दोनों साथ में। तो ये हमें सिरे से चेक करना है सही है या नहीं। तो ये हमें सिरे तार लिया हूँ, ये देखिए जल्ला हमारा बल्ब, ये देखिए आप।
तो हम चेक करते हैं। तो ये रनिंग में हमें रनिंग स्टार्टिंग जो जॉइंट है इसमें लगा देना है, एक कि दो दो शरीर में चार जन में लगा। ये देखिए पड़ाका पड़ रहा है तो ये सही बोल रहा है, तो ये लीड सही है। उसके दूसरी भी वो देखिए जल रहा है, पड़ाका आ रहा है, तो ये सही है ये भी। तो हमारी ये मोटर सही है, ख़राब नहीं है। ये दोनों में भी लगाने पर वहाँ देखिए पड़ाका पड़ रहा है, तो यहाँ पर जोड़ है इसलिए लग रहा है पड़ाका। जब हम अच्छे तरह से इसे मुड़ोरी मारेंगे तो वहाँ पर पड़ाका नहीं पड़ेगा। तो हमें इसे देखिए ये अलग कर देते हैं और ये अलग। तो इसमें हम पेंट उजाड़ लिया हूँ, पहले से निकाल लिया हूँ, और मैं रनिंग स्टार्टिंग में जोड़ेंगे हम। तो ये रनिंग है, एक रनिंग बगल हो जाएगी एक स्टार्टिंग की उस तरफ। ये देखिए हमने तार ले लिया हूँ, एक लाल और दो हरी कलर की तार ले लिया हूँ। अब इसे हम कनेक्शन करेंगे। तो पहले सबसे रनिंग और स्टार्टिंग जो दोनों साथ है इसको जोड़ेंगे लाल में, ये कॉमन हो जाएगी। रनिंग स्टार्टिंग दोनों एक साथ में है तो इसको हम जोड़ेंगे। ये देखिए हमने मुड़ोरी मार लेता हूँ, आपको बहुत अच्छी तरह से मुड़ोरी मारना है ताकि पड़ाका न पड़ने पाए। जैसे मैं चेक कर रहा था तो वहाँ पड़ाका पड़ रहा था, तो स्पार्क करेगा बाद में। तो अच्छी तरह से मुड़ोरी मारेंगे तो स्पार्क नहीं करेगा। और कुछ हम इस तरह भी लपेट सकते हैं इसमें, ये देखिए हम इस तरह लपेट रहा हूँ, तो आप इस तरह भी लपेट सकते हैं इसमें। दोनों तरफ आप चाहें जिस तरह लपेटे दोनों तरह ही सही रहेगा। तो अच्छे तरह से मुड़ोरी मारना है और ये लगा देना है। ये दोनों हमने उस तरफ की जो हमने पहले लगाया वो रनिंग की थी, और ये जो लगा रहा हूँ ये स्टार्टिंग की तार है। इसमें चार लीड निकलेगी, तो इसमें दो रनिंग और स्टार्टिंग को जो लाल वायर से जॉइंट किया हूँ वो है। मैं बार बार बता रहा हूँ ये स्लिप लेना है, इतना छोटा छोटा काट लेना है। उसके बाद अंदर इसमें डाल देना है, डालकर जहाँ हमने जोड़ लगाया वहाँ तक कर देना है। ये यहाँ तक कर दिया, ऐसे उसमें भी लगा लेना है दोनों में। ये लगा लिया दोनों में हमने, और इकट्ठा कर लेना है। अब ये स्लिप जो पहले पुरानी में निकली थी ये 5 या 6 नंबर है, तो इसको हम तीनों को इकट्ठी कर रहा हूँ। आप लगाए या ना लगाए इसमें कोई दिक्कत नहीं, धागा मार देंगे सही रहेगा। तो ये देखिए हमने इसमें पड़ी थी और सही, हमारे पास ये पड़ी थी और सही थी, तो हमने लगा रहा हूँ। ये देख लिया हमने, फिट कर लिया, ये यहीं तक आ रहा है। और इस तरह कुछ कर कर धागा मार देंगे हम। ये हमने 23 नंबर से सुई बनाया हूँ और धागा लिया हूँ, तो इसको हम धागा मार रहा हूँ। अच्छी तरह से बांध देना, हमें पूरी पर धागा मारना है। जहाँ पर धागा नहीं लगा रहेगा, जहाँ पर लगा है तो हमें निकाल देना पहले वाला धागा। हम दोबारा वाला धागा मारेंगे, ये देखिए सिलने जा रहे हैं इसे। हमें कुछ इस तरह से बांध लेना है, उसके बाद ये हमने धागा मार दिया हूँ पूरी पर। हम किसी दूसरे वीडियो में धागा मारना आपको बताएँगे, ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है इसलिए हमने वीडियो को आगे कर दिया हूँ। और जहाँ पर चिन्ह लगाया था वहाँ पर हमने लगाकर इसे, जाम था हल्का हल्का, तो इसको हम वो तेल दे के मशीन का जो सिलाई मशीन का तेल होता है वो इसमें डाल देना है। इसे डालने के बाद घुमा देना है, हमें हल्का हल्का सा तेल डालना है। और ज़्यादा सूखा रहेगा तो ज़्यादा डालना है, इतना डालना है कि जो अंदर रोई लगी रहती है इसके पुस के वो तब वहाँ तक गीली हो जाए। उसके बाद हमें डालकर घुमा देना है। अभी हमारी लग गई, सभी में लग गया, सापट में भी लग गया। उसके बाद हल्का सा सापट के ऊपर डाल देना है और हमें यहाँ पर रखकर फिट कर देना है। हमें निशान पहले से लगा रखा था तो निशान आपको देख लेना है, निशान देखकर उसी में लगा देना है। ये देखिए दोस्तों हमने कर दिया हूँ इतना काम। आप लोग वीडियो देखकर सीखिए और करिए, हमने बार बार बताया है एक चीज़ को, उसने बार बार बताया है, आप सीख जाएगे, सीख जाओगे जल्दी से इसमें देखकर वीडियो को। चाहे देखिए दो जगह है लगा हुआ है लबड़, हम किसी तरह
चाहे जिस तरफ से निकाल सकते हैं इसको, चाहे उस तरफ से चाहे उस तरफ से, तो हमें निकाल लेना है और उसके बाद फिट कर लेना है निशान देखकर। तो ये हमने फिट कर लिया हूँ कवर को, अब इसे कसना है। तो हमें ये देखिए घूम रहा है, तो इसको हल्का हल्का सा कसना, हमें बराबर कसना है, एक एक चूड़ी चारों पेच चढ़ाते बराबर जाना है ताकि ये जाम ना होने पाए। अगर एक तरफ का कस दोगे तो ये टाइट हो जाएगा, तो घूमेगा नहीं जल्दी, जाम हो जाता है एक तरफ कसने से। तो हमें क्या करना है, बराबर बराबर इसमें कसना है, दो दो चूड़ी एक एक चूड़ी ऐसे चढ़ाते रहना है। अब ये देखिए हमने कस दिया हूँ, अब ये सही हो गया है, देखिए अब ये लीड निकल गई यहाँ पर, जो ये है इसमें कैपेसिटर की लगेगी और ये मेन हो जाएगी कामन। इसमें 240 वोल्टेज का एक वायर फेस जो डायरेक्ट आ जाएगा, उस दोनों में कैपेसिटर लगेगा, तो कैपेसिटर के जिस तरफ सीधा चलेगा उस तरफ हम लगा देंगे। कभी कंडेंसर लगाना हम बताएंगे कि कैपेसिटर किस तरह लगाया जाता है, किसी दूसरी वीडियो में हम बताएंगे।